कि राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों तक इस प्रचंड लू हीटवेव से राहत मिलने की संभावना नगण्य है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जयपुर से खबर है, भूजल का भविष्य अब खींच लिया है, भूजल का भविष्य खींच लिया है, अब संकट ही संकट। राजस्थान के जल संकट पर भूजल विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। अगले साल जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर में पानी खत्म हो जाएगा। 2025 तक ये सभी चार शहर पूरी तरह से डार्क जोन में चले जाएंगे। जितना पानी रिचार्ज हो रहा उससे ज्यादा जमीन से निकाल रहे हैं। हाल ही में केपटाउन, बेंगलुरु में पानी खत्म होने की खबर आई थी। राजस्थान के 302 ब्लॉक में से 219 डार्क जोन में खतरा बढ़ रहा है। आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, कैसे निपटा जाए इस बढ़ते हुए खतरे से? देखिए, निपटने के लिए राजस्थान सरकार को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा और आम जनता की सहभागिता इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि भूजल की जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। अजमेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ये चार शहर ऐसे हैं जो केपटाउन और बेंगलोर की राह पर चल रहे हैं, यानी कि 2025 तक जमीन में यहाँ पे पानी बिल्कुल शून्य हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा और जमीन से जो रिचार्ज है वो पूरी तरीके से, अभी जिस तरीके से कहा जा सकता है कि रिचार्ज वहां पर नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। जिस तरीके से ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद में और ज्यादा मुसीबतें बढ़ गई है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से तेज गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है, उसके बाद में ये रिपोर्ट और परेशान कर रही है, क्योंकि राजस्थान के जो डार्क जोन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 200 जिस तरीके से पहले 70% डार्क जोन थे, अब 72% तक पहुंच गए, यानी कि जिस तरीके से लगातार जो जल संकट की स्थिति है राजस्थान में बढ़ती ही जा रही है, ऐसी ही हाल रहा तो राजस्थान को केपटाउन और बेंगलोर भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक साल का वक्त तो भूजल विभाग की रिपोर्ट में ही कहा है। यदि चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।